फ्रेंड्स, ये है हमारी एंट्री अनंतराज एस्टेट की। हम जैसे ही प्लॉट के अंदर एंटर होते हैं, यहाँ पे आपका लेफ्ट में पार्किंग एरिया मिलता है। देन वी हैव स्पेसेस फॉर पार्किंग मोर। ये पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइंस आपको सारी जगह मिलती हैं। यहाँ पे पार्किंग की स्पेस मिलती है। अब हम स्टेयरकेस से या लिफ्ट से और आगे जाएंगे, इधर हमारी लिफ्ट स्पेस आ जाएगी एंड यहाँ हमारी स्टेयरकेस आ जाएगी। फ्रेंड्स, ये हमारा 70 स्क्वायर यार्ड्स में 3 BHK प्लस 2 बलेट्स का फ्लोर बना हुआ अनंतराज का। आप आइए, अंदर आइए। हम यहाँ पे अगर हम लेफ्ट और अपने राइट देखेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे आप जैसे ही देखते हैं इधर हमारे बेडरूम्स आ जाते हैं। आप उस तरफ देखेंगे, इधर हमारे बेडरूम्स, दोनों बेडरूम्स और किचन रूम आ जाते हैं। ऑन योर राइट अगेन अब अगर हम एंट्री करते हैं, ये हमारा एंट्री गेट है। अगर अब हम सबसे पहले अब हम आपको दिखाएंगे अपना लिविंग एंड डाइनिंग हॉल, उसमें आपको समझ आएगी कैसे आप आगे जैसे हैं। ये हमारा लिविंग हॉल है। लिविंग हॉल में आप अपना पूरा सेटअप देख सकते हैं कैसे अरेंज कर रहे हैं। इधर आपका कॉफी स्क्वायर आ रहे हैं, इधर आपके टीवी कैबिनेट्स वगैरह आ रहे हैं। हमारे लिविंग एंड डाइनिंग के बिल्कुल सामने अगर हम ध्यान से देखें छोटी छोटी चीजें, इधर सब विंडोज वगैरह ये, ताकि आपको नेचुरल लाइट आ सके अगर आप बालकनी में ओपन। अब हम लिविंग एंड डाइनिंग के सामने एक छोटा सा एरिया था, डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया के सामने डाइनिंग एरिया प्रॉपर दिया है। अगर आप टीवी कैबिनेट चाहें तो इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब अगर हम देखना चाहें इधर हमारे पास फोर पे, अगर आप देखना चाहें तो हमने पूरा एक छोटा सा लॉन एरिया दिया है ऊपर ग्राउंड फ्लोर हर फ्लोर के सामने। और आपने क्या करना है, यहाँ लॉन एरिया आप अपने स्टेयरकेस से जा सकते हैं। इसके अंदर आप अपने प्लांटेशन कर सकते हैं, ग्रीन एरिया कर सकते हैं और यहाँ पे आपके पूरे गार्डन्स लगते हैं। अब हम वापस जाएंगे अपने बेडरूम से। पूरी मॉड्यूलर किचन करके देते हैं विद चिमनी एंड वॉक। अगर आपका सिंक एरिया, अगर आप पूरी मॉड्यूलर किचन देखेंगे प्रॉपर फिटिंग्स करके देते हैं। किचन के साथ हमने यूटिलिटी बालकनी दी है एक साथ। यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग एरिया वगैरह बना सकते हैं। ये गैस पाइपलाइन आ रही है जो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, जिसको सिर्फ जब भी कोई लेगा तो आपको सिर्फ कनेक्ट करके देना। जैसे आप आगे देखेंगे बेडरूम्स पे आएंगे,
पहले आपका राइट में हमारा किड्स बेडरूम आ जाता है। This kid's bedroom is almost of 9x12 size. एक आपको नन्हे मुन्नों के लिए अपना जैसे बेड्स लगा के आपने जैसे अरेंज करते हैं, इट इज ऑल अप टू यू कैसे डिजाइन करते हैं। यहाँ पे आप अपना स्टडी टेबल वगैरह उनके लिए अरेंज कर सकते हैं, इवन आप कबर्ड्स भी बनवा सकते हैं। इधर उनके लिए हमने नेचुरल लाइट के लिए विंडो दी है। तो अगर आप देखेंगे तो विद मेश स्ट्रक्चर ताकि आपको कोई मस्किन वगैरह की प्रॉब्लम ना आए, और ये बिल्कुल फ्रंट डोर है, जो हमारी बिल्डिंग का फ्रंट एरिया है वो आ जाता है। जैसे हम देखेंगे ये हमारा पूरा फॉयर स्पेस बहुत अच्छा है, इवन हमने ये जो कैबिनेट्स भी लगा के दिए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा फॉयर स्पेस इतना अच्छा है, ओपन वाइड फॉयर स्पेस मिलता है, इतना ओपन एरिया मिलता है हर रूम के आगे, तो दैट इज अ गुड पॉइंट ऑफ दिस। ये हमारा स्मॉल कॉमनर रूम है या कॉमन वॉशरूम कह सकते हैं आप। इसमें एक अच्छी बात पॉइंट देखेंगे तो इन्होंने कॉमन वॉशरूम्स को भी ऊपर से बहुत अच्छा डिजाइन करके दिया है, वुडन फॉल सीलिंग कह सकते हैं इसको। हमारा सेकंड बेडरूम आ गया, ये हमारा सेकंड बेडरूम इज ऑफ 11x10.5 साइज। इसके अंदर हम वुडन कबर्ड्स के लिए जो है हमारा वो अलग पॉइंट्स आ जाते हैं। अच्छी बात ये है कि वुडन कबर्ड्स जितने भी हैं वो वॉल के मेन हैं, ताकि उससे कॉर्नर टू कॉर्नर हमारा जो रूम साइज है वो पूरा इंटैक्ट नजर आता है। इसके साथ हम फ्रंट वॉल में आते हैं। फ्रंट बालकनी आपको दोनों बेडरूम्स को जोड़ती है और सामने आ जाता है, सामने फ्लोर आ जाता है और फ्रंट फ्लोर आ जाता है। हर रूम बालकनी के साथ एक ओपन बालकनी के साथ दोनों बेडरूम्स जुड़े हुए हैं, और किड्स बेडरूम के साथ आपकी ओपन बेडरूम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा मास्टर बेडरूम है, इसमें वुडन फ्लोरिंग करके देते हैं। इट इज ऑलमोस्ट ऑफ 15x11 साइज। अगर आप वाइड रूम के वाइडनेस को देखेंगे आप खुद समझ सकते हैं कि कितना वाइड है। इधर हमारी कबर्ड्स वगैरह आ जाती है, अगेन ये कबर्ड्स वॉल के इन है, इनसाइड द बॉक्स एरिया नॉट इनसाइड द रूम। इससे अच्छी बात क्या होती है, अगर हम नॉर्मली कहते हैं 15x11 का बेडरूम साइज है हमारा, तो अगर हमारी वार्डरोब्स वगैरह इन है तो वो ऑलमोस्ट 15x11 नहीं 15x9 रह जाता है, क्योंकि 250 तो हमारे बालकनी वार्डरोब से कर सकते हैं। बट अगेन अगर हम इसको समझते हैं तो ये सारी वुडन कैबिनेट्स हमारी जितने भी हैं वो इन आ रही है, इसका मतलब ये होता है आपको जितनी भी फिटिंग्स मिलेंगी वो रोका की मिलेंगी, चाहे वो टैप हो चाहे वो डब्ल्यूसी हो। इसके बाद हमारा एक ग्लास पैनल है और इसके शावर है, वॉशरूम के साथ शाफ्ट एरिया और एक एग्जॉस्ट फैन लगा के जो इसके साथ की जो बालकनी आ गई वो फ्रंट बेडरूम को दोनों बेडरूम को जो बालकनी हो सकती है इस बार। ये हमारा लास्ट हमारा पार्ट आ जाता है आपसे of the bedrooms, एक मास्टर बेडरूम, एक नॉर्मल बेडरूम।
आप एक बार लुक एट द व्यू, आप एक बार खुद देखो, लो राइज कम्युनिटी में रहने का एक अलग ही।